नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है दोस्तों 7 जनवरी 2019। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइएगा और ये काम तो कर ही लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है। विश्व पुस्तक मेले वर्ल्ड बुक फेयर के 27वें संस्करण का उद्घाटन 5 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कहाँ किया है? तो ये किया है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिटेल बताने से पहले आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल तो यही है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री मंत्रालय जो है इसका डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया, और इसका डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। आप एक क्वेश्चन तो यही याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है ये आपका चलेगा 5 जनवरी से 13 जनवरी 2019 तक, नई दिल्ली में होगा और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, इतना आप याद रखिएगा। इससे ये जो मेला है ये बेसिकली इस बार हमारा इसका भागीदार देश जो है वो यूएई होगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, याद रखिएगा, दुबई जिसे हम बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसका भागीदार देश होगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये प्रगति मैदान में तो हो ही रहा है 13 जनवरी तक, इसके अंदर ऑडियो, चुप, स्पर्श, बेल पुस्तकों की प्रदर्शनी की एक साथ इस बार बहुत बड़े लेवल पे रखे जाने वाली है। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT और भारत व्यापार संवर्धन संगठन, ये इन दोनों के द्वारा इस बार मेला लगाया गया है। 9 दिन तक ये मेला चलने वाला है। इसका उद्घाटन तो आपको पता लग ही गया, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और साथ के साथ HE शेख फहीम बिन सुल्तान अल कासमी, दोबारा नाम रिपीट करता हूँ, इनका नाम 1.5 किलोमीटर लंबा है, HE शेख फहीम बिन सुल्तान अल कासमी, ये सरकारी संबंध डिपार्टमेंट के हैं, UAE के हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से हैं ये, उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये। और इस आयोजन में सबसे पहले दिन क्या किया गया, एक कैलेंडर को लॉन्च किया है और जिसका थीम था समावेशी शिक्षण की ओर। इस मेले में यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्में और विकलांगता फिल्म फेस्टिवल VCare 27 के आसपास और 45 फिल्में स्क्रीनिंग पेश होगी एक साथ इसके अंदर। भारत, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मिस्र, घाना, हांगकांग, कई यूरोपीय देश इसके साथ आएंगे और तक लगभग 1300 से ज़्यादा स्टॉल लगाई जाएगी यहाँ पे। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट तो इसका एक थीम याद रख सकते हो आप लोग, समावेशी शिक्षण की ओर, और उसका उद्घाटन किन किन ने किया है, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने और साथ में हैं आपके HE शेख फहीम बिन सुल्तान अल कासमी, और UAE इसका सहभागी देश है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2019 को अटल सौर कृषि पंप योजना में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त रियायतों के वितरण की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मुफ्त रियायतों के वितरण की जो घोषणा की है वो आपके की है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो सही है। अच्छा, महाराष्ट्र ने की है तो इस योजना में क्या मिलेगा? इस योजना में 2 LED बल्ब, 1 DC बैटरी, एक्चुअल में बैटरी DC ही होती है, तो बैटरी और एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, इतनी चीज़ इसके अंदर दी जाएगी। अच्छा, महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, ये सौर ऊर्जा वाला पंप आपको दिख ही रहा होगा, ये है महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है आपकी है मुंबई, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनका नाम है C. विद्यासागर राव, ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को ओडिशा के बारीपाडा में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिवसीय दौरा के दौरान ओडिशा के बारीपाडा में 4500 करोड़ रुपये परियोजनाओं
का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, यहाँ पे आपको जो फोटो में दिख रहा है ये 4500 करोड़ रुपए की घोषणा की तो है, लेकिन ये की किन किन के लिए है? तो उन्होंने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पारादीप हल्दिया दुर्गापुर और LPG पाइपलाइन के बलासोर हल्दिया दुर्गापुर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। एक तो इन्होंने ये काम किया है, और बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इन्होंने यहाँ पे 4 लेन 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कई परियोजनाओं की भी आधारशिला भी रखी है। इन्होंने टाटा नगर के बादाम पहाड़ तक दूसरी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, टाटा नगर से बादाम पहाड़ तक दूसरी ट्रेन, ये बेसिकली पैसेंजर ट्रेन होगी, यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है इन्होंने। तो इतनी ये 4500 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन किया है इन्होंने। अच्छा, जब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के CM का नाम क्या है? तो ओडिशा के CM का नाम है आपका नवीन पटनायक, इतना आप याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की जो राजधानी है वो आपकी भुवनेश्वर है। अच्छा, ओडिशा के जब भी बात आती है तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, ओडिशा में है विल्लर द्वीप और इसका नाम बदल के कर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है जिसका नाम है चिल्का झील। अगर आप रोज़ मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होगी अब तक, अगर नहीं हुई तो मेरा तो यही एक लक्ष्य है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और आती ही हैं वो आपको मैं याद करवा के ही छोड़ूं किसी भी हालत में। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है। 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू में अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन रखा है? तो ओडिशा में तो 4500 था और यहाँ पे इन्होंने रखा है 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका। झारखंड, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के जो CM हैं उनका नाम है रघुवर दास, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही हैं आपके रघुवर दास। अच्छा, यहाँ पे किया है 3500 करोड़ रुपए की योजना, तो क्या क्या योजना है ये? इसके अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लाभार्थियों को ई गृह प्रवेश देखा है एक साथ। तो दूसरा, इन्होंने उत्तर कोयल में, उत्तर कोयल एक नदी है जहाँ पे मंडल डैम परियोजना की शुरुआत की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंडल डैम। मैं आपको बता देता हूँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ये उत्तर कोयल नदी पे बना हुआ है मंडल डैम और ये झारखंड में पड़ता है आपका, इसमें से क्वेश्चन आना चांसेस है आपके। और इन्होंने क्या किया है, फोटोग्राफी और जियो टैगिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक प्रणाली को भी लॉन्च किया है इन्होंने। ये प्रणाली जो ये देख रहे थे सब कुछ, यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, ये इनको ये देख रहे हैं आपके उत्तर कोयल में, आपको ये दिख रहा होगा उत्तर कोयल में मंडल डैम जो है आपका, इसके अंदर ये सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात तो होगी, उत्तराखंड सॉरी ये झारखंड के जो CM है रघुवर दास, इनके बारे में भी जानकारी होगी हमारी। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची, आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने, RRB अर्थात मालवा ग्रामीण बैंक, सतलज ग्रामीण बैंक और तीसरा बैंक कौन सा है जिसको 1 जनवरी 2019 से सरकार द्वारा एकल RRB में सम्मिलित या समावेश हो गया है इनका, यानी तीसरा बैंक जो है आपका वो पंजाब ग्रामीण बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये इनके आपके लोगो हैं, पहला मालवा ग्रामीण बैंक, दूसरा पंजाब ग्रामीण बैंक और तीसरा जो है आपका सतलुज ग्रामीण बैंक, और इन तीनों बैंकों का क्या हो गया है अभी हाल ही में समावेश हो चुका है आपका, ये सारे मिल चुके हैं आपस में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस होता है ये, और कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए समझौता किया है?
तो ये किया है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा आपका। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI और SEF ने MSME और कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। इसके तहत होगा क्या, इस समझौते में होगा क्या, 11-12% की मिश्रित ब्याज दर पर ऋण की पेशकश होगी ताकि उधार मॉडल है उसका लाभ उठाया जाए, एक ऐसी योजना बनाई जाए और इस समझौते में 3 महीने की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए का कारोबार होगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2019 को मुंबई में एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की धारा 12 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ये जो पहले व्यक्ति हैं इनको आप सभी जानते होंगे, विजय माल्या, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा। विजय माल्या को हाल ही में भगोड़ा 4 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 के तहत भारत का पहला भगोड़ा घोषित किया है, ये याद रखिएगा आप लोग। सरकार ने बेसिकली प्रवर्तन निदेशालय जो ED है इन्होंने नवंबर 2018 में अदालत के समकक्ष एक आवेदन दायर किया था और उसमें ये घोषणा विशेष न्यायाधीश MS आजमी ने की थी। ईडी ने करीब 12,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की है, वह रुपए पर चूक के लिए भारत में चाहता है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 12 बैंकों के एक कंसोर्टियम से उनकी किंगफिशर एयरलाइन को कर्ज में 9,000 करोड़ रुपए से इन्होंने जब्त कर, किंगफिशर एयरलाइन आपको पता होगा पहले ही जब्त हो चुकी है। ये है विजय माल्या, बेचारे टेंशन में लग रहे हैं, मुझे शायद आपको भी लग रहे होंगे, चिंता में है। तो भाई साहब आपको इंडिया में आना पड़ेगा या अदरवाइज आपकी संपत्ति तो देखो जब्त हो ही रही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 4 जून 2019 को उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उर्वरक डिपार्टमेंट के जो नए सचिव हैं वो बनाए गए हैं छबिलेंद्र राउल को। अच्छा, इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थी श्रीमती भारती एस सिहाग और अब ये बने हैं आपके छबिलेंद्र राउल, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ये 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के थे ये। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है कि अंडमान सागर और पड़ोस कौन सा है, ये किस नाम का एक चक्रवाती तूफान होगा जो 5 जनवरी 2019 को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो इसका नाम है पाबुका, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपका है पाबुका, साइक्लोन पाबुका, जो कि आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अच्छा, ये जानकारी दी किसने है, तो ये जानकारी दी है IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इन्होंने क्या कहा है, ये एक चक्रवाती तूफान है और अंडमान द्वीप पर रहने वाले लोगों को इन्होंने ये कहा है कि सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये है क्या, 5 और जनवरी 2019 को अंडमान समुद्र और दक्षिण पूर्व और बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी में मछली पकड़ने के सभी कार्यों को भी स्थगित कर दिया गया है और ये जो पाबुका है ये धीरे धीरे म्यांमार तट की तरफ से आ रहा है आपका, उधर से पीछे से और यहाँ से। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा, ये इंडिया है आपका, यहाँ पे है आपका अरब सागर, यहाँ पे आपका है हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी। एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी किसी भी देश में अगर कोई चक्रवात आता है तो वो हमेशा उसके पूर्वी घाट से ही आता है, ठीक है, और ये आपका इस जगह पे आपका अंडमान निकोबार पड़ता है। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात आई है तो आपको 2-3 क्वेश्चन याद आ ही गए होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, यहाँ पे 3 द्वीपों के नाम बदल दिए। एक द्वीप था आपका रोस द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा आपका नाम है यहाँ पे नील द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो नील द्वीप का नाम बदल के किया गया है आपका शहीद द्वीप। और तीसरा आपका है हैवलोक द्वीप का नाम बदल के क्या किया है, स्वराज द्वीप।
इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 30 दिसंबर 1943 को आए थे और उन्होंने यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया था, और उन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हों प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 150 फीट का झंडा फहराया है। उनके लगभग 75 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और उनके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया है और 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई क्रिकेटर ने 5 जनवरी 2019 को एक श्रीलंकाई खिलाड़ी द्वारा 13 छक्के लगाकर एक दिवसीय पारी में अधिकतम छक्के के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये आपके हैं श्रीलंका के थिसारा परेरा, ठीक है, जो आपको ये फोटो में दिख रहे हैं यही हैं आपके थिसारा परेरा, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी हाल ही में। ये 29 साल के हैं थिसारा परेरा, और श्रीलंका के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 13 छक्के मारे हैं। ये पिछला जो रिकॉर्ड था ये सनत जयसूर्या के पास था, जिन्होंने एक पारी में 11 छक्के मारे थे। और थिसारा परेरा का पहला शतक, जिससे उन्होंने महज 74 गेंदों में 140 रन बनाए हैं, और न्यूजीलैंड के लिए 21 रनों की रोमांचक जीत हासिल भी इन्होंने की है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका से एक और याद कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन, श्रीलंका समुद्री सीमा से सबसे पास पड़ता है हमारा देश, इतना याद रखिएगा आप लोग। और श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धन कोटेपुरे है आपकी, और एक कोलंबो है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक आपकी ऑफिशियल है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री देवी नेनी उमामहेश्वर राव ने किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना की बेहतर योजना और निर्माण के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो ये किया है गोदावरी नदी के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी आई है, तो ये देखिएगा मैप में गोदावरी नदी, यहाँ पे गोदावरी नदी का एक दूसरा नाम याद रखिएगा आप लोग, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको हर बार कन्फ्यूज़ करता है, एक तो है दक्षिण भारत की गंगा और एक आप पढ़ते होंगे दक्षिण की गंगा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है आपकी दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा तो है आपकी ये कावेरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा जो है वो है गोदावरी नदी, इतना याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में हाल ही में भारत का 25वां हाईकोर्ट बना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तक तो आपकी हैदराबाद ही है, लेकिन आने वाले समय में प्रस्तावित क्या है आपकी अमरावती बनने की बात है आपकी। अच्छा, हाल ही में जो 25वां हाईकोर्ट बना है, तो इसके आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपका प्रवीण कुमार छागरी, इतना आप याद रखिएगा। हैदराबाद के जो सीएम, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, माफ़ करिएगा, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आपका ESL नरसिम्हन राव। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 जनवरी 2019 को राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने के में अपनी विफलता के लिए मेघालय सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में NGT ने मेघालय पर जो जुर्माना लगाया है वो लगाया है आपका 100 करोड़ रुपए का, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है, मेघालय पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है अभी हाल ही में। अच्छा, ये जुर्माना लगा क्यों है? तो ये जुर्माना आपको पता लग ही गया कि इस वजह से लगा है कि NGT ने अवैध कोयला खनन को रोकने में ये असफल हुए थे आपके, इस वजह से ये इन पे इतना जुर्माना लगा है। चलिए नेक्स्ट जो हम, अच्छा मेघालय की बात आई है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट, जो कॉनराड संगमा जो हैं आपके यहाँ के CM हैं और शिलोंग यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक साधारण पेपर किट विकसित किया है जो दूध की ताजगी का प्रशिक्षण कर सकता है और बता सकता है कि इसे कितनी अच्छी तरह से पाश्चुरीकृत किया गया है? तो दूध को कम टेम्परेचर पे गर्म करना पाश्चुरीकृत कहलाता है, और ये जो सिस्टम विकसित किया है वो IIT गुवाहाटी ने किया है, ये है आपकी IIT गुवाहाटी, इन्होंने ही ऐसा सिस्टम तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम को नए साल की सम्मान सूची में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है?
देखिए, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इन्होंने फ्रांस को ही दिया है ये अवार्ड। अच्छा, क्यों दिया है? क्योंकि फ्रांस ने 2018 का वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, 2018 का वर्ल्ड कप किसको हरा के जीता था? तो इन्होंने क्रोशिया को हरा के जीता था। अच्छा, क्रोएशिया को हरा के तो जीता था, लेकिन ये हुआ कहाँ था? तो ये 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था रूस में, रूस की राजधानी और मॉस्को में आपका हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, 2022 का कहाँ होगा? तो 2022 का होगा कतर, कतर की राजधानी दोहा में होगा, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, क्रोएशिया को हरा के जीता था, क्रोएशिया के जो आपके कैप्टन है उनका नाम है लुका मॉड्रिक, और इन्हीं को मिला है 2018 का बेलोन डियोर पुरस्कार, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये फ्रांस है तो फ्रांस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। चलो, फ्रांस, फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है आपकी, और फ्रांस के जो करेंसी है वो यूरो है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। अच्छा, इनके बारे में अभी विवाद भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इस शहर का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत 7-स्टार रेटिंग है। तो ये है आपका मैसूर शहर, ठीक है। मैसूर शहर का जो लक्ष्य है वो 7-स्टार स्वच्छ भारत के तहत 7-स्टार रेटिंग लेने का है। और आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्वच्छ भारत के तहत हमारे भारत का 2018 में सबसे साफ शहर जो था वो इंदौर था आपका, और इस बार 7-स्टार रेटिंग लेने का जो लक्ष्य है वो मैसूर का रखा गया है। मैसूर में इतना याद रखिएगा कि सबसे साफ मंदिर जो है उसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कौन सा महल है, बड़ा फेमस महल है मैसूर का ये। अब मुझे अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा महल कौन सा है आपका। चलिए, आज के जो हमारे करंट अफेयर हैं वो इतने ही हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा, और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।